पुतिन के मिशन खेरसोन को लेकर रूस सांसद का बड़ा खुलासा। खेरसोन पर कब्जा के बाद रूस में मिलाना पुतिन का मकसद है। खेरसोन में अब रूसी झंडा ही फहराया जाएगा। रूसी सांसद की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है। रूसी सेना अब खेरसोन से वापसी नहीं करेगी। रूसी सांसद की ओर से यह बड़ा दावा। पुतिन के लिए खेरसोन पर कब्जा सबसे महत्वपूर्ण रहा है। रूसी सांसद की ओर से यह बड़ा दावा किया जा रहा है। और पुतिन का मिशन खेरसोन एक बिल्कुल सोची समझी रणनीति। आइए समझते हैं इसकी कितनी बड़ी अहमियत है, इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा इसकी। तो पुतिन का मिशन खेरसोन, नीपर नदी पर कब्जा करना मकसद है और नीपर नदी के डेल्टा में बसा शहर है खेरसोन। नीपर नदी यूक्रेनी परिवहन के लिए लाइफलाइन है। इसके जरिए रूसी नेवी यूक्रेन के शहरों पर हमला कर पाएगी। ब्लैक सी में रूस की पकड़ मजबूत हो जाएगी। पश्चिमी यूक्रेन बाकी यूक्रेन से अलग हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन से क्रीमिया तक एक जमीनी गलियारा बन जाएगा। यह बहुत ही बड़ा टारगेट है रूस का, इस गलियारे को अचीव करना। और यूरोप से हथियार सप्लाई चेन खत्म हो जाएगी। कीव पर कब्जा करने में रूसी सेना को आसानी होगी। खेरसोन में यूक्रेन के सबसे ज्यादा उद्योग धंधे हैं और यहां रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये तमाम बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, लंबे समय से पुतिन की प्लानिंग का हिस्सा भी रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ऑफिशियली पुतिन कब डिक्लेयर करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव हासिल हो गए हैं और अब हम इस वॉर को क्लोज करना चाहते हैं। क्या विक्ट्री डे परेड के दिन कुछ ऐसी बात सामने आएगी? पूरी दुनिया की निगाहें उस दिन उस तारीख पर टिकी हुई हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।